शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय अब्बा साहब। देख देख देख। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली मुझे ये वाला कुत्ता चाहिए। खूब मांगा सा। हम डिलीवरी पे बेचते हैं। नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए। वैसे हमारे नोन हैं, उनके पास भी सेम ऐसा ही एक कुत्ता है, वो बेचना चाहते हैं। आप चाहे तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। आपके पास क्या एड्रेस होगा? आप टेंशन मत लीजिए, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। ये उनका एड्रेस है, आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। चल जा। हेलो सर, वो पेट शॉप वालों से आपका एड्रेस मिला। करते क्या हो? कभी ये कभी वो। बेसिकली जॉबलेस हो? जी, बट बाय चॉइस। जिंदगी में कुछ तो करना होगा ना तुम्हें? हाँ? कुछ तो करना होगा जिंदगी में। हाँ? क्या? डिटेक्टिव नॉवेल का राइटर बनना चाहता हूँ। ऐसा नॉवेल लिखना चाहता हूँ कि लोग पढ़े और पागल हो जाए कि वाह क्या जीनियस है। जहां से मैं गुजरू लोग कहे वो आदमी जा रहा है जिसने पत्नी का कातिल लिखा है। मर्डर मिस्ट्री लिखना चाहते हो? एक औरत की कहानी। औरत की कहानी जिसका मर्डर हो जाता है। कातिल कौन है? तीन सस्पेक्ट, हस्बैंड, लवर और नौकर। तीनों सस्पेक्ट हैं? यही तो प्रॉब्लम है सर, कातिल फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? मोटिव डिसाइड करता हूं तो कातिल बदल जाता है, कातिल फाइनलाइज करता हूं तो मोटिव वीक लगता है। जिंदगी में सबका मोटिव एक होता है, पैसा। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये मेरा नॉवेल छपके बाहर निकलेगा दुनिया का मोटिव बदल जाएगा। मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं। चलो छोड़ो, डॉग की बात करते हैं। मुझे कुत्ता बेचना है, 1,00,000 रुपए। ₹1,00,000? क्या इस कुत्ते को मालूम है ये 1,00,000 रुपए का है? टेक इट और लीव इट। हाँ ओके। दादी की दी हुई एंटीक घड़ी है सर, 2,000 तो पक्का मिल जाएंगे इसके, बाकी पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। आजा। ओ मिस्टर। हाँ? पूरे 1,00,000 रुपए कैश में चाहिए, पैसे दो और कुत्ता ले जाओ। यकीन कीजिए धीरे धीरे चुका दूंगा, ले जाने दीजिए ना सर प्लीज। अपना ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं जल्दी आऊंगा तुझे लेने। ओके, फिर हम साथ में खेलेंगे। और कुत्ता किसी को दीजिएगा मत, जल्दी लौटूंगा। गुड मॉर्निंग सर। केके कुकर की सीटी, स्वाद बढ़ाए जिंदगी की। कुरेवा बिकनी वो दूसरा से मशीन। बिकनी वाली एड नहीं चलेगी। कोई भी चीज अगर बिकनी हो ना तो कभी कभी उसे बिकनी पहनानी ही पड़ती है। बोल दो। ठीक है, ट्रेडिशन, साड़ी पहना देंगे। हाँ बिल्कुल, सारी और चकोए वाताची ताची है। कैंजना फोफो साई का सुशीतेरू
मिस्टर फूजी एंड यामा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वो उसी से बिजनेस डील करते हैं जिसकी फैमिली और मैरिटल लाइफ सॉलिड हो. नो स्कैंडल, नो डिस्प्यूट, नो डिवोर्स. ये तो जानते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी है. मेरी तो लव मैरिज हुई है, बताया था मैंने आपको. नो वकरे नो सुमा तो इशे नो साइसो. मिस्टर फूजी एंड यामा आपको ठीक 30 दिन बाद डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं. मैं आ जाऊंगा सर, लेकिन आपकी वाइफ के साथ. एग्रीमेंट उसके बाद ही साइन होगा. ओके सायोनारा. सर मैं क्या सोचता हूं कि अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ फिर. राजीव अभी नहीं प्लीज. ठीक है सर. Baby, come here. Come here. What you doing? Hey, come on. Baby, look at me. Look at me. Hey, what? मैं ये stupid dog बेच रहा हूँ. जब से घर आया तब से मनुष्यत छाई हुई है. तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. तुम अपनी मर्जी का नहीं करती? कहाँ थी दिन भर? मैं तुम्हारी फ्रेंड्स की वाइफ के साथ बैठकर रोज कार्ड नहीं खेल सकती. लेकिन मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर सकती हो, राइट? ये बात तुम हमेशा ड्रिंक करने के बाद ही क्यों करते हो? Hey dog, out! Chal hai? Nigaah yahan se, out! Nigaah. क्या कर रहे हो? Out! वहाँ से, चल जा. Please sit. Out! तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो केके. मैं कुछ बर्बाद नहीं कर रहा हूँ. 5 लाख से कंपनी शुरू की थी, आज 70 करोड़ का टर्नओवर है. क्या नहीं है हमारे पास? गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम. हाँ, और एक महंगा डॉग है जिसका आज तक तुमने नाम नहीं रखा. वफादार नहीं है ये. घर लाया था तो पूछ हिलाता था मुझे देखकर, क्योंकि तब तुम इसे प्यार करते थे केके. गुड नाइट. ले जाओ उसे, ले जाओ उसे. तुम अपना नॉवेल भूल गए थे, मैंने पढ़ा. कातिल फाइनल करो, इंटरेस्टिंग है. थैंक यू. मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं.